नमस्कार, मैं हूं नफीस अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज 9 लाइव टीवी। दैनिक भास्कर काष्टा फाउंडेशन वातोली भारत ट्रस्ट की पहल एक पेड़ एक जिंदगी की मुहिम को आगे बढ़ाते हुए पर्यावरण दिवस को मनाया गया। बरेली एसपी सिटी रविंद्र कुमार के नेतृत्व में दैनिक भास्कर काष्टा फाउंडेशन वातोली भारत ट्रस्ट परिवार के साथ रामपुर गार्डन अग्रेसन पार्क में पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में पौधे लगाकर पर्यावरण को बचाने का संदेश दिया गया। इस अवसर पर एसपी सिटी रविंद्र कुमार ने कहा कि हम सभी को अपने जन्मदिन के अवसर पर पौधे लगाने चाहिए। यदि हम एक पौधा भी प्रतिदिन लगाएंगे तो हमारा समाज स्वच्छ और सुंदर दिखेगा। न्यूज 9 लाइव टीवी के लिए शुभम राय की रिपोर्ट। जो आज कार्यक्रम किया गया है, इसके उपलक्ष्य में क्या कहना चाहेंगे? एक बहुत ही सफल कार्यक्रम और एक अनूठा कार्यक्रम जिसके तहत वृक्षों का रोपण एक बहुत ही अति आवश्यक कार्य है। और एक ओर जहां हम अपने डेवलपमेंट विकास को लेकर हम लोग इतने चिंतित रहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं विकास के साथ साथ हम लोग प्राकृतिक संपदाओं का भी ह्रास करते जा रहे हैं। इसका बहुत बड़ा कारण है कि आज वृक्ष जो है, जब भी हम लोग कभी ट्रेन बस से कभी गुजरते हुए देखते थे कि बहुत बड़े बड़े वृक्ष हमको देखते थे, और उन वृक्षों के नीचे बैठे हुए लोग जो कभी धूप वगैरह में जाके कुछ आराम के पल गुजारते थे, शुद्ध ऑक्सीजन का निर्वहन उनसे होता था। लेकिन मुझे बहुत कष्ट होता है ये देख करके, आज हम लोग विकास तो कर रहे हैं लेकिन विकास के साथ साथ इन चीज़ों का ह्रास करते रहे हैं। मेरा ये विनम्र निवेदन है कि जिस प्रकार से हम लोगों ने दैनिक भास्कर काष्टा फाउंडेशन और अतुल्य भारत ट्रस्ट ने ये पहल की है, आप सभी से विनम्र निवेदन करूँगा कि अपने ज़िंदगी में वृक्ष अवश्य लगाएं, और सिर्फ लगाएं नहीं बल्कि उनकी अपनी देख रेख भी करें। जिस तक हम अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, उसी तरह अगर हम उस वृक्ष का भी पालन पोषण करेंगे तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ जो आत्मिक सुख और शांति आपको मिलेगी वो अतुल्य है। जनता को और क्या संदेश देने चाहेंगे? यही कहना चाहूँगा कि प्राकृतिक संपदाओं का हाश मत कीजिए, ये बहुत अति आवश्यक है। विकास कीजिए, लेकिन विकास के साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जल का हमें संचय करना बहुत आवश्यक है। बिना वजह जल को व्यर्थ मत जाने दीजिए। इसी तरह पेड़ अवश्य लगाइए। आज इतनी बड़ी महामारी के दौर से हम लोग गुजर रहे हैं और अभी भी कह नहीं सकते कि महामारी अभी का कितना और समय लेगी। इस महामारी ने हमें बताया कि ऑक्सीजन हमारे लिए कितना महत्व रखती है, और एक वृक्ष ही ऐसा वो है जो हमें इतनी ऐसी ऑक्सीजन देता है कि जिससे हम अपने जीवन को बहुत अच्छे से व्यतीत कर सकते हैं। और हमारे जीवन में ऑक्सीजन का कितना योगदान है, कितना महत्व है, शायद इस महामारी ने हमको बता दिया। सर, आज जो कार्यक्रम किया गया है, इसके उपलक्ष्य में क्या कहना चाहेंगे? दैनिक भास्कर की अनूठी पहल है एक पेड़ एक जिंदगी, उसके साथ काष्टा फाउंडेशन अतुल्य भारत ट्रस्ट जो कि ये बहुत बड़े ट्रस्ट और एनजीओ हैं, इन्होंने हमारे साथ मिलकर दैनिक भास्कर की मुहिम को आगे बढ़ाया और हमेशा बढ़ाते हैं। और उपजा के सेक्रेटरी आशीष जौहरी जी का जन्मदिन भी था, इस उपलक्ष्य में भी ये कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और इस कार्यक्रम में IPS SP सिटी रविंद्र कुमार भी आए हैं और बाकी सभी समाज सेवी रहे साथ में, और दैनिक भास्कर का सारा स्टाफ रहा है। सर, आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि हर व्यक्ति को कम से कम एक पौधा लगाना चाहिए। आज अगर जो आप एक पौधा लगाओगे तो आगे चल के वो पेड़ बनेगा, जिसके नीचे बहुत सारे बेसहारा लोग आके बैठ सकते हैं, पशु पक्षी उसके ऊपर बैठ सकते हैं। सर, जैसा कि अभी कोरोना काल भी चल रहा है तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं पेड़ भी कट चुके हैं, ऑक्सीजन की कमी आ चुकी है, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आज जो कृत्रिम ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है, जो पहले से लोग अवेयर होते, लोगों ने पहले से पौधे लगाए होते, आज वो पेड़ बन गए होते, लोगों को शुद्ध ऑक्सीजन दे रहे होते, तो कहीं ना कहीं लोगों को अवेयर भी करना बहुत ज़रूरी है। ये मुहिम इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाती है। दिवस के अवसर पर दैनिक भास्कर काष्टा फाउंडेशन एवं अतुल्य भारत ट्रस्ट की ओर से ये जो वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया है, ये वाकई बहुत अच्छा है और बहुत ही प्रेरणादायक है। मैं इस अवसर पर अपील करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग वृक्षों को लगाएं और साथ ही साथ उसकी देखभाल भी करें, क्योंकि वृक्षों का जीवन बचना हमारा ही जीवन है। बहुत